الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فأنقضوا في البلاد إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يومنا للمنى يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف الوعيد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم والمسلم المسلمون من لسانه ويديه برادر الإسلام خواتين الإسلام أرسل في باقي بدائي الله وحده لا شريك له لا يحق له بدينه درود السلام كافر رسوله تمام نبيهم بل تمام رسوله بل خاصकर आपने भी मुसलमान भाई को सलाम पर आपने कहा है मुझे दीनी भाइयों इंशाअल्लाह आज का खुतबा जुमा हम लोग कुरान और हदीस में बताए गए तरीके से अपना कम्युनिकेशन स्टाइल बनाएंगे जबान हम वैसे ही इस्तेमाल करेंगे जैसे कुरान में इस्तेमाल करने का हुक्म दिया गया हदीस में इसको अपनाने का हुक्म दिया गया वैसे आमतौर पर हम बहुत ज़्यादा बात सुन चुके हैं कि जबान की अहमियत क्या है फजीलत क्या है जबान से इस्तेमाल कैसा करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए लेकिन इस बार हम इंशाअल्लाह इस बारे में सुनेंगे कि कुरान हमारे को कम्युनिकेशन तरीका रखना चाहिए वो क्या तरीका देता है उस तरीके को सुनने के साथ साथ अपनी ज़िंदगी में अपना लें इंसान की ज़िंदगी में 75% इंसान का कम्युनिकेशन की ही काम करता है बाकी 25% उसकी करतूत काम अमल हरकत जो भी मामला है लेकिन अब उस इंसान जाना जाता है पहचाना जाता है तो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेट की वजह से पहचाना जाता है फारसी में एक शेर है तब अमल उसको नमूता वाशक अरे वो दर्श नमूता वाशक इंसान जब तक जवाब खोल के बात करता नहीं है उस वक्त तक क्या है मालूम नहीं पड़ता उसके अंदर क्या है कैसे ख्याल है क्या जज्बात आदमी है कैसा कुछ सोच रखने वाला इंसान है कब मालूम पड़ता है जिस जबान को लेकर भी मालूम पड़ता है कुरान हमें क्या सिखाता है कि कम्युनिकेशन कैसे रखे हम एक दूसरे से भाई हो तो दोस्त हो तो जिम्मेदार हो तो साथी हो तो वालिदैन हो तो बहन हो तो कैसे बात करें बात करने का लहजा क्या होना चाहिए तरीका क्या होना चाहिए सारी की सारी चीजें कुरान और शरीर से सिखाई गई कोशिश करेंगे सबसे पहली चीज
अल्लाह का हुक्म है, ऑर्डर है क्या? ऐसे लोगों तुम अल्लाह से डरो, अल्लाह का डर दिल में ना हो, बकूल हो और जितनी बात करो फौरन सही बात, खरी बात, एग्जैक्ट बात करो, इंसाफ की बात करो, दुबले बात मत करो, बल्कि दुबला मन से हट कर लो ऊर्ज छोड़ के बात मत करो, एग्जैक्ट बात करो, खरी बात करो, पूरी बातें फौरन सही रह के करो। देखिए थोड़ा हमें तफसीर के साथ बात बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज क्या, फौरन सलीला, इसके अंदर है सच्चाई, बात के अंदर सच्चाई हो, झूठा मानना हो। बहुत सारे मामलों में इंसान क्या करता है कि गुफ्तगू करते हुआ इस बात को नजरअंदाज कर देता है कि कितनी बार और अच्छा काम किया है, बस एक दो मरतबा लेट आया कल भी ले जाते हैं, इस किस्म की जो बात है ये सच्चाई का मुश्किल नहीं है, झूठी बात है। 80% में सर्वस्व पर आता है, एक आध बार कोई होता ही हो जाती है, एक लाख का इधर एक लाख का उधर, तो उसको लेकर इंसान ऐसा बोलते कि कब भी झूठ, कब भी आना लेट आता है, तो ये झूठी बात नहीं, ऐसी बात नहीं। और इंसाफ की कोई बात नहीं, इंसाफ को यह है कि हर दिन सही आता है, कभी कभार इसे चुप हो जाती है। तो इंसान बात करते वक्त ये सोचे कि मैं सच बात करूं और इंसाफ वाली बात करूं, कि इंसान हजारों बार टाइम पर आया है, एक बार टाइम पर ना आने पर उसको भेज दिया जाए तो गलती होता है जीवन में, लेट जाए, ये चीज इंसान की बात है। सदा सारा सदा फौरन सजीदा, बात तुम्हारी ऐसी हो जो सच हो और इंसाफ वाली हो। फौरन सजीदा का एक माना यह है कि खरी बात, खरी बात मतलब आदमी भ्रष्टांड के बात है बोल रहा है कि मैं आ रहा हूँ सिर्फ दो मिनट में पहुंच रहा हूँ मुकुंदा के लिए मस्जिद के, तो खरी बात यह है कि बस स्टैंड के पास इंसान सिर्फ दो मिनट में पहुंच जाएगा, कितनी बात है, कम से कम 3 मिनट लगेंगे, 4 मिनट लगेंगे, लग सकता है 10 मिनट लग सकते हैं काम करने को, तो इंसान बात ऐसी ना करे जो खरी नहीं है, खरी बात करे एग्जैक्ट लेटर में लग सकता है क्या इतना वक्त में मैं पहुंचूंगा, तो ये खरी बात है। जिसमें आदमी ताल मंडोल या बहाने तराशना किस्म की कोई चीज ना हो, वो सारी चीजें भी अगर शामिल हो तो कितना वक्त हो सकता है, कितना टाइम लग सकता है, ये बात के अंदर पहली बात इंसान कर रहा है, पहली बात इंसाफ की बात, दूसरी बात सच बात, तीसरी बात खरी बात, चौथी बात दुबला पर नहीं होना बात, डबल मीन ड्यूल मीन वाली बात नहीं कही। कुरान हमें हुक्म देता है कि बात करो तो सीधी सीधी बात करो, एग्जैक्ट बात करो, कभी भी ऐसा ना करो कि इसमें दुबला पर पाया जाए कि आदमी कोई माइंड कर जाए समझ ले और फौरन करो तुम ये ना बोले तो फौरन बोले नहीं मेरा मतलब वो नहीं था, ये था तो दुबला पर नहीं चलेगा। कि आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू करते वक्त इंसान हमेशा इस चीज को इस पहलू को अपनाए कि उसकी बात के अंदर सीधी सीधी हो, मफहूम वहां मुकम्मल तरीके से समझ में आए, काम करे। डबल मीनिंग वाला वर्ड अपनी जबान से निकालने से मना करता है इस्लाम। तो हमेशा इंसान जो भी बात करे तो बात दुबला पत्ते या मरा पत्ते पाक हो, और इसी तरीके से लू बोल को वाली बात भी नीचे कि बात करेंगे हम ऐसा बोलेंगे हाँ एक हफ्ता बन सकता, अब उसके बाद यदि मुलाकात नहीं हुई एक हफ्ता हुआ तो हम कह रहे हैं कि लग सकता बुरा था। दरगाह वाले खास तौर पर क्या करते हैं जो भी पेशेंट आता है उनके पास जीना सत्तर है भूल सत्तर है तो उन्हें बोलते हाँ बहुत बड़ा केस है और बड़ा जीन है इसके ऊपर लोग हमारे तो होता नहीं अजमेर जाना उसको अब अजमेर बोलेंगे यहाँ पर पेशेंट देखो सारे कैसे बदल दो होता हाँ बहुत टाइम लगेगा फिर भी देख दो 6 महीने 1 साल होने जब भी जिला उसका फिर आगे बोले
क्या था ये जिस बात से कहते हैं घना नहीं करते कुछ भी नहीं मैं पहले बोल रहा था भाई होता नहीं मान लो यूल भी कि आदमी बात ऐसी करे कि बाद में उस बात के इस्तेमाल करके सामने वाले को चुप करा दे तो इस हिसाब के बहुत सारे मसाले होते हैं यूल भी के और ऐसी चीजों से परहेज करने का हमें नाम देता है कि कभी भी कोई भी बात करो एक माना हो और सामने वाले की समझ आ जाए ऐसा ना हो कि सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा जबान एक ऐसी नियमत है जो हमारे दिल के अक्कासी करता है दिल से जो बात है वही बात करना है दिल में एक बात रखें और सामने एक बात बोल रहे जैसे किसी को हम पसंद ही नहीं करते लेकिन सामने लोगों को लोग हम ही बोल रहे तो हम भी बोल रहे आपको जरूर पसंद है ऐसी चीज में ना सारा पसंद है दिल में कुछ और है जवाब से कुछ और के साथ है तो फौरन से जिंदा किया जाए सारे माने मर जाते हैं वो अरबी का एक ही है लेकिन ये सारे माने बता के उसके अंदर पाए जाते हैं और उसके एक बात अखौर शरीर का ये भी है कि कमिटमेंट बढ़ा हो कमिटमेंट के सिलसिले में इतना बहुत ज्यादा अहमियत देता है चलिए एक वाकई से कमिटमेंट के सिलसिले में सुन लेते हैं अगर जो मन खता हो जो बात का दौर है उस वक्त एक आदमी जो कि गरीब में रहने वाला मदीना का है और मदीना के अतराफ में उसके कुछ खेत होते हैं तो खेत की रफानी करते रहता तो एक ऊंट उसके खेत में चढ़ जाता है तो पत्थर लेकर ऊंट को पीछा करता है मर जा रहा है ऊंट जा रहा है इसी जैसे पत्थर बढ़ता चले जा रहा है बाद उस खेत वाला एक आदमी जो खेती बड़ी खेती की रफारी करने के लिए आया था इसका पत्थर उसके सर पे लगता है और ऊपर उठ जाता है इंतजाम हो जाता है उसका बात मान लो कि उसके बेटो सीधा जाके खेत रखते हैं उम्र में सप्ताह होते हुआ मानू की अदालत तो मर्द सत्ता हो गए बाबा मानू से वो लोग हिसाब कर रहे मतलब जान के बदले जाते बच्चे बोले बोलते हैं मेरे वाले को माफी है फसल के घर अब बदले में हमें इनकी जान जाते हैं तो मर्द सत्ता हो गए बाबा मान बोल देते हैं कि हाँ भाई तुम्हारी वजह से हिसाब की जान जा चुकी है लिहाजा तुम्हें भी फसल के तरह सुनाई जा रही तो वो शख्स कहता है अमीर उल्मोमिनीन एक तीन दिन की मोहलत चाहिए तीन दिन का टाइम दीजिए मुझे मैं तीन दिन में आकर वाकदा इंतजाम को अपनाऊंगा यानी अपने आप को बदलूंगा कुछ काम रह गए हैं वो काम मेरी बीवी को बच्चों को सौंप कर मैं निकल जाएगा तुम्हें मैं सत्ता उस आदमी के सिलसिले में सोचते कि भागने के लिए कोई रास्ता निकालने वाला तुम्हें मैं सत्ता उसे नहीं तुम्हारी कोई जमानत है तो वहां पर मदीना में मौजूद सहाबा में कोई उनको नहीं जाता था कोई पहचानता नहीं था किसको जाकर बोलेंगे भाई मेरी तरफ से जामिन पर जाया हूं जमानत दीजिए मेरे लिए उम्र में सत्ता हो जाओ उनके सामने तो ऐसा कोई आदमी था नहीं अब ये सोचना पड़ते हैं कि क्या जवाब दो उम्र में सत्ता हो जाओ तो इसी में अबूजर रिफाई बल्दी अल्लाह वागे बढ़ते हैं आखिर बोलते हैं अरे अमीरुल मोमिनीन इस आदमी की जमानत मैं देता हूं जमानत का मतलब क्या होता है कि तीन दिन में वो आदमी ना आए तो उसकी जगह पे अबू रज पानी को मदद कर दिया जाए ये माना होता है समय तो समझाया जाता है कि अगर वो ना आए तो उसकी जगह में आपको मदद कर दिया जाएगा मंजूर है बहुत ठीक हुआ चला गया एक दिन हो गया दो दिन हो गए तीसरा दिन खत्म तकरीबन फैसला करने के लिए बैठे हैं जबरदस्त वक्त चल रहा है और कहीं दोनों का वक्त ही फैसले का वक्त उम्र बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे हुकूमत में था लिहाजा बैठे हुए हैं सब के सब अबू ज़र ग़िफ़ारी के ऊपर सारे लोगों की नजरें लगी हुई है कि वो आदमी नहीं आएगा ये आदमी खत्म हो जाएगा सब पर तरफ आ रहा सब लोग तरफ खा रहे कि अबू ज़र ग़िफ़ारी जलील उल फ़र्द सहाबी अनजान आदमी के लिए अपनी जान गंवा बैठे वो नहीं आए तो इनका हशर क्या होगा वो नहीं आए तो इनका मामला क्या होगा यही सोच में सब लोग बैठे और अबू ज़र ग़िफ़ारी अपनी जगह पर बड़े इतना सुकून में बैठे थोड़ी देर बाद देखने वाले देख कर वो कहीं यहाँ एक आदमी चल रही हुआ जैसे जैसे करीब आया वो ही आदमी तो मन में खत्ता हो गया बाबा उन्होंने पूछा भाई तीन दिन का वक्फा था तो भर जाएंगे क्यों भागा नहीं जान जाएगी थी तो हिसाब से रसा होने वाला है
जाते बच्चे जाते ही जाने वाली है, चाहता था तो भाग सकता था, क्यों भाग? उसने कहा इस्लाम हमें हुक्म देता है कमिटमेंट का, कि जो भी कमिटमेंट करते हैं उस पर खड़े हो, जो भी वादा देते हैं उसको पूरा कर दिखाओ। तो याद रख मैं कुरान और इस्लाम के बताए हुए तरीके पर हूँ, लिहाजा मैं अपने कमिटमेंट के बराबर अपने वादे को बराबर इस काम को अंजाम दूंगा। उसके बाद उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु अपनी तवज्जो अबू ज़र की तरफ करते हैं और पूछते हैं, अरे अबू ज़र ये शख्स कौन है जानते हो? नहीं। फिर तुम वो तुमने जमाना क्यों दी? अगर ये शख्स नहीं आता तो तुम खबर हो जाते। अबू ज़र सिफारी बोलते कि मैंने जमाना इसलिए दी कि हम लोग मुसलमान हैं, मुस्लिम कौम हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, ये दूसरे के वास्ते हम बाकी नहीं बने, मुसलमान बनने का फायदा क्या है? बस समझ आते आजकल का माहौल क्या है कि एक आदमी दूसरे आदमी से कोसों दूर रहना चाहता है, हालांकि पैर को बल लगा नहीं कर रहा है, खाने को खाता लगा नहीं कर रहा है, लेकिन बल को आने से कुछ लेना देना नहीं। ऐसा रवैया ऐसा मामला हमारा चल रहा है कि किसी के बारे में कुछ जमीन बने इसके लिए तैयार नहीं है। तो मैंने अपनी जगह पर यह सोचा कि इस्लाम तो हमें तालीमात ऐसी नहीं दे रहा है कि हम एक दूसरे के ऊपर भरोसा करने की जरूरत है। ईमान की दुनिया पर भरोसा आंदर है, ऐसी बात तो मेरे को अच्छी नहीं लगी। और कल के लिए जो तारीख हमारी मुसलमानों की रकम होगी तो कोई ये ना बोले कि इस्लाम इतना सख्त दीन है कि एक दूसरे के वास्ते जामिन तक नहीं बनता। ये बात नहीं आती है। उसके बाद इन दोनों के वाकयात देखकर फौत शुदा आदमी के बच्चों ने कहा कि हम अपना केस वापस ले लेते, उस आदमी को माफ कर देते। मदन खंडा बोलते भाई पूरा मामला चलता है आप लोगों की वजह से, आप क्यों वापस करेंगे? तो बोलते कि हम चाहते हैं कि इस्लाम में माफ करना भी एक चीज है, लिहाजा हम हिसाब को ही माफ कर देते हैं। जैसे कि मेरे वालिद इंतकाल कर गए, वो इंतकाल कर जाना अनजाने से ही हुआ है, लेकिन फिर भी हम माफ कर देते हैं मुकम्मल कर देते हैं। तो एक चैन सिस्टम से यार माफ करना एक अच्छा ही चली गई पूरे अच्छा है। और वाकई वो चैन सिस्टम से शुरू करने वाली चीज क्या होता था कि हम अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा करवाओ, तो वाकई एक चैन सिस्टम चलाया जाता है कहां तक लाइव लेते जाए। तो इंसान का जवाब का जो इस्तेमाल है ये हमेशा कुरान और हदीस के मुताबिक में रहे तो बहुत बड़ा फायदा है। तो देखिए पूर्व और सदीका के अंदर ये बात भी है कि आदमी बहुत सारी चीजें बोलकर अपने रिश्ते नाते को तोड़ता है, हर टच बोलने वाला नहीं होता है। ये बात तो नहीं पर रखें, हर टच बोलने वाला नहीं होता है। मिसाल के तौर पर एक आदमी की पहली रात होने वाली है, शादी हुई है, निकाह हुआ है, अब रात के वक्त उसकी बीवी ने उसके मुंह पर कह दिया कि आपके चेहरे पर ऐसे ऐसा है, डॉक्टर वगैरह यहाँ से हैं या अपना है अपना है अपना है, आप मुझे पसंद ही नहीं। मैं बात कर जो भी बात करती हूँ सच सच ही बात करती हूँ, और सच बोलने से तुम्हारे उनके दिल में नफरत नहीं आनी चाहिए, सच सुनने के बाद तुम्हारा दिल रंजीदा नहीं होना चाहिए। वो शख्स कह रहा है शादी होकर 10 साल हो चुके लेकिन आज भी वो बात को बात का हमारे दोनों की लड़ाई में जिक्र में आती है, पहले दिन तुम्हें मेरे को पसंद नहीं करते थे, हालांकि 10 साल उनकी जिंदगी बीत रही बात क्या समझ आती। अगर उस वक्त वो मां था ये बात को ये सच बात को उगलने के बजाय रुका के रखती कितना बड़ा हो जाता था। तो हर सच बोलने वाली नहीं होती है, कुछ रुका के रखने की जरूरत पड़ती है। हर सच का ऐसा बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बोलते हैं कि माता दा सच बोलने से तुम्हारे दिल को तकलीफ तो नहीं है, क्या बात है? इंसान बोलेगा तो पूरे पूरा छल्ली छल्ली कर देगा आदमी को, साथ में भी बोल देगा सच है इस बात से बोल रहा हूँ तुम्हारे, और सच बात से कोई दिक्कत या आपत्ति नहीं है तुम्हारे, सच सुनने के बाद तुम्हारे दिल में क्या रंजिश नहीं है। तो ऐसे सच की जरूरत ही क्या है जिससे किसी आदमी का दिल टूट जाता होगा, कोई आदमी आप ऐसे बाहर हो जाता होगा, कोई इंसान अपने आप को गिरा चुरा हो पसीना पसीना हो जाए, ऐसे सच क्यों बोला जाता है? ऐसे सच बोलने से मना करता है इंसान, रोकता है कि जरूरत नहीं है ऐसे सच की, क्या जरूरत है बोलो? तो
तो सच बोलने का जो हुक्म है उसका मतलब हर किसी ने कि हर सच भी बोल दिया जाए, हर सच भी पेश कर दिया जाए। तो इस बारे में भी सोच विचार करना, ये सारी बातें एक आयत के अंदर है। और इसी आयत को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर खुतबे में पढ़ते थे और निकाह के वक्त भी बाकायदा पढ़ते थे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अ'मालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। तो इंसान गुफ्तगु के अंदर, बातचीत के अंदर क्या और तरीके अपनाना चाहिए, कुरान हमें क्या हुक्म देता है, तो इस्लाम का हुक्म ये भी है फकूला लहू कौलन लयीना। जब भी किसी से गुफ्तगु करें तो उसमें नरमा की हो बात, सख्ती ना हो। ये मामला हर माँ बाप को अपनाना चाहिए अपने औलाद के सिलसिले में। अक्सर माँ बाप क्या करते हैं, अपने बच्चों को रेबलिस्ट बना देते हैं। तो अपनी जगह सफल में पड़ जाता है कि मेरे माँ बाप ऐसा करते हैं। बच्चों का जो खून होता है ये हार्मोन्स उनके पापते रहते हैं, हार्मोन्स उसके बढ़ते रहते हैं। उस वक्त क्या कुछ कर रहा है समझ में नहीं आता, बच्चों रेबलिस्ट बना देते हैं। सख्त अल्फाज वालिदैन के, भाइयों के, चाचा मामू के, दादा नानी के, इन लोगों के अल्फाज बाकायदा बच्चों को रेबलिस्ट बना सकते हैं। इस वास्ते बच्चों के मामले में उनकी गलतियों पर मामला क्या किया जाए, बाकायदा नरमी का मामला, नरमी के साथ शुरू किया जाए, बातचीत उनसे नरम दर्जे में हो, मया हो, मुहब्बत हो, प्यार हो, लाड़ हो, इन चीज़ों को अपनाते हुए उन लोगों से कमिटमेंट करना चाहिए या कम्युनिकेट करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटा बच्चा अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा उनको बोलते हैं, अब्दुल्लाह बहुत बेहतरीन बच्चा है, अगर तहज्जुद पढ़े चाहिए रहता हूँ। क्या बोलते हैं, अब्दुल्लाह इब्न उमर बहुत अच्छा लड़का है, और भी बेहतर होगा अगर वो तहज्जुद पढ़ना शुरू करे। इब्न उमर तकरीबन ये बोलने के 15-20 साल बाद बताते हैं कि वो दिन और आज का दिन मैंने कभी तहज्जुद नहीं छोड़ा। ये इंसान सामने वाले की तारीफ के दर्जे में मोहब्बत से भरा हुआ लहजे में ये कहते कि तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दे तो और भी बेहतर होगा। इतनी बात कहना था कि उमर बिन खत्ताब कहते हैं कि उस दिन से मैं तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ता गया यहाँ तक कि उनकी निकाह की रात में तो तहज्जुद नहीं छोड़ी, पाबंदी कर दी। तो इंसान की जबान से निकलने वाला लफ्ज ऐसा असर कर जाता है इंसान की जिंदगी के अंदर। तो लिहाजा हमको चाहिए कि हम ऐसे अल्फाज का इंतखाब करें, चूज करें, सेलेक्ट करें जो अल्फाज सामने वाले के दिल पर कैवक्त हो जाए, लग जाए, बैठ जाए, वो दिल से निकलने वाली बात दिल पर भी असर करती है। तो ऐसा मामला बच्चों के साथ और हमारे मातहत लोगों के साथ हमें करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला शमस व बरसन के बारे में बताता है, वलौ कुन्ता फज़्लन ग़लीज़ अल-क़ल्ब, अगर आप तुरुश मिजाज खट्टे मिजाज वाले आदमी और सख्त दिल इंसान होते, लम तब्दु मिन हौली, तो कोई भी तुम्हारा दोस्त नहीं बनता, अल्लाह ताला बोलता है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज हमेशा नरम लहजा, मीठे अल्फाज, एक दूसरे की सताइश तारीफ करना, उनकी हिम्मत दिलाना और उनको काम पर आमदा करना, ऐसे वर्ड अल्लाह के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहा करते थे। आज जरूरत है क्या वैसे वर्ड हम यूज करें क्या अपनी जिंदगी में। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु इस्लाम में आएंगे नहीं आएंगे ये सोच में है, उनका भाई का लेटर आता वलीद बिन वलीद का, उसमें लिखे रहते हो क्या बोल रहे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्फाज वलीद बिन वलीद को बोल रहे थे वो अल्फाज अल्लाह के नबी क्या बोल रहे थे उनको, तुम्हें वलीद के बेटे वलीद होना, बोले हाँ, तुम्हारे भाई खालिद का क्या हाल है, बताते अभी वो गैर मुस्लिम की मुशरिकी है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते तुम्हारे भाई जैसा होशियार आदमी, चालाक आदमी, इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल पर्सन ऐसा आदमी इतने दिनों तक इस्लाम कबूल करे बिना कैसे रह गया। ये एक वर्ड था खालिद के कानों में बढ़ती ही आवाज के अंदर के लिए सांस सुनाते ये बात कही है कि मेरे जैसा होशियार आदमी अब तक इस्लाम कबूल नहीं किया। तो फौरन तय हो जाते हैं घोड़ा देने की समझ नहीं करो निकल इंसान की जबान से निकलने वाले जो वर्ड्स हैं वो वर्ड्स एक इंसान के लिए दाम लाने का सबब बन रहा है। तो ये चीज के ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए।
हम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, काफी साफ होते हैं। हाँ भाई, सच्ची बात बोलने वाला, कड़वी बात बोलने वाला सच्चा होता है, उसके दोस्तान ज्यादा नहीं होते। कौन बोला भाई ये बात है? किस डिक्शनरी में है, किस बुक में है, किस वेदांत में है, किस सिद्धांत में है? अपनी तरफ से बड़ी बड़ाई बातें हैं कि इंसान कहता है कि सच्ची बात कड़वी रहती और कड़वा हमेशा सच्चे लोगों की बोलते हैं, जिनका दिल साफ होता है सच्ची बात करती, कड़वी बात करती। सच्चा इंसान इस दुनिया में कोई था, कोई है, कोई होगा नहीं ना? तो वो इंसान कभी किसी को कड़वी बात कर रहे हैं? बताओ, ये कभी कड़वी बात कर रहे हैं, सख्त बात कर रहे हैं, खट्टा लहजा आता है, नहीं कुछ कर सकते। अल्लाह के नबी साहब डांटते भी थे तो चेहरे के अंदर गुस्सा लाकर बात करता, उसको उस निशान नहीं करते थे कि तुम क्या उसका दिल चीज को देखे देगा, हमें कलमा सही दिल से पढ़ा है नहीं पढ़ा है, बल्कि एक सहाबी की गलती पर बार बार एक वर्ड रिपीट करते हैं। आपके लहजे में सख्ती होती थी लेकिन आदमी का दिल टूट जाए और मुकम्मल तरीके से डिप्रेशन में चला जाए, ऐसे वर्ड सलाह के विश्वास हम नहीं ला सकते। आज जो लोग करते हैं और बोलते हैं कि शक्कर जो है मीठी चीज है, वहां कीड़े आते हैं, मकोड़े आते हैं, चूंटे आते हैं, और नमक क्या है खाली चीज है, इस वास्ते क्या है उसके इर्द गिर्द कीड़े मकोड़े नहीं आ रहे, मतलब क्या है? मैं सच्चा इंसान हूं, सामने मेरे दोस्त नहीं, जिसके दोस्तों के बारे में जो बोल रहे हैं वो इंसान क्या है? मिठा मस्को खाली कीड़े मकोड़ों को जमा कर रहा है। क्या क्या मीनिंग निकाल के लोग बोलते हैं अपने आप को, अपने बात को क्या है बहुत सच्ची साबित करने के बाद में। तो ये चीज इस्लाम नहीं सिखाना है, खुली बात इस्लाम सिखाता ये है कि हम किसी से बात करें तो मोहब्बत से, प्यार भरे अंदाज में ये चीजों को अपनाएं। और साथ ही साथ प्रॉब्लम मेकर वाले वर्ड अल्लाह कभी पसंद नहीं करता, प्रॉब्लम सॉल्वर वाले वर्ड ये अल्लाह पता चलता है। अब देखिए कुरान को, एक नबी ज़करिया अलैहि सलाम जिनकी जिंदगी तकरीबन अपने इंतहा को पहुंच गई, बाल पूरे सफेद हो चुके, दुनिया का हर हकीम बोल चुका है कि ये खातून बांझ है, बच्चा नहीं होगा, और जिंदगी की उम्र भी वो रेंज में है, वो स्टेज में है जहां पर औलाद नामुमकिन है। लेकिन दुआ करते हुए क्या बोल रहे हैं? बोला फकुम बिदुआ शकिया, उससे मांग कर कभी मैं मायूस नहीं हुआ। दुनिया के अंदर ऐसा होता है किसी को हम सोच लेते हैं कि हाँ ये आदमी बहुत परफेक्ट है, इसके बाद जाकर मैं कुछ मांगू तो मुझे मायूस नहीं होगी, बात अगर मिल जाएगी वो चीज, ऐसा सोच कर जाना है। लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है, वो आदमी से मायूसी मिल जाती है, इंसान काम नहीं बनता है उसका, तो ऐसा कई बार दबा होता है। तो अल्लाह ताला से क्या बोल रहे हैं, बोले हकूम भी दुआ है करो भी शुक्रिया, जब भी तुझसे मांगता हूं मैं मायूस नहीं हुआ हूं, मेरी मांग पूरी हो चुकी है, हर जगह पर मेरे लिए बशारत की मिली है। तो बोले हकूम भी दुआ है करो भी शुक्रिया, ये अल्फाज इतने असर कर जाते हैं कि वो स्टेज में भी अल्लाह ताला उनको औलाद से नवाजता है। और बच्चा बेटा देता और बेटे को भी नाम रख के देता यहिया हो गया। तो इंसान अपने जबान से अल्फाज निकाले तो प्रॉब्लम सॉल्वर के अल्फाज होना चाहिए, प्रॉब्लम मेकर वाला आदमी बनना ही नहीं है। ईमान वाले याकूब अलैहिस्सलाम बिन्यामीन को जब यूसुफ अलैहिस्सलाम एक प्लान के तहत रुका देते, भाई आगे सुना कर क्या बोलकर बिन्यामीन ने चोरी कर ली है, बादशाह कह रहा है वहां का, पकड़ के उनको जेल में डाल दिया है। ये सुनने के बाद क्या बोला जाए, तीन तीन बेटे नहीं है, पूरे 12 बेटों में यूसुफ अलैहिस्सलाम पहले, बाद में बिन्यामीन, वो देखकर बड़ा भाई क्या बोलता, मैं अपने वालिद को क्या सूरत दिखाऊंगा, देखिए बस्ती नहीं है मेरे अंदर कि मैं इस मामले को फेस कर सकूं, तो बड़ा भाई भी नहीं आता। तो क्या बोलते मानो, आपको जैसे ही बच्चे सुनाते हैं अबू बेटा यूसुफ तो पहले खो गया, बिन्यामीन भी अब पकड़ा गया, बड़ा भाई भी नहीं आता, उसके उधर ही रुक गया। तो हम बोल सकते थे अल्लाह क्या कर रहा है मेरे साथ, एक एक करो मेरी औलाद को लेते जा रहा, बोल सकते थे। लेकिन उनके अल्फाज क्या है, असम बाब मुहैया किए नहीं तीन दिन जहाँ पहले खो गया तो अच्छा भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला ढूंढेगा मुझे। ये होता है ईमान, ये होता है यकीन, ये होता है ईमान वाले का बिहेवियर कि बात करे तो प्रॉब्लम सॉल्वर ही मानकर बात करता है,
प्रॉब्लम मेजर नहीं बना बनता है। किसी भी बच्चे को उठा लो उसमें उससे बात करने की वजह से हेल्दी मिलेगा हमें, लेकिन अभी ज्यादा परेशान की आवाज नहीं बनेगी। मिसाल के तौर पर आके बताए फलाम को ऐसे ऐसा बीमारी है, हाँ इससे पहले हो गया था, उन्होंने तुम्हारे पे ऐसा सुना प्रॉब्लम से प्रॉब्लम मेजर बनते जाने। ऐसा कहे कि अल्लाह के पास उम्मीद रखे ऐसे कई बीमारियों को शिफा देने की ताकत को वाला रखता है। लगते कि आप सुने होंगे ये बीमारी वाला जिया ही नहीं, लेकिन फिर भी जीता है ना, ऐसा ही जिए तभी तो प्रॉब्लम सर्वर बनना है। अपने वर्ड्स के जरिए से सामने वाले की हिम्मत को पतली करनी है, बल्कि एक्सप्रेस करके बाकायदा उसके हौसला अफजाई और हिम्मत अफजाई करने का हुक्म हमारे को इस्लाम सिखाता है। और एक बार हदीस जो खुतबा मसनून के बाद पढ़ा हमने, المسلم من سلم المسلمون, حقیقت میں مسلمان وہی ہے اللہ کی نظر میں جو اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے, اپنی زبان سے دوسروں کی تکلیف پیش دور ہٹانے والا ہی رہے گا, لیکن اپنی زبان سے تکلیف دینے والا حدیث ایک ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہماری آخری حدیث آپ کے سامنے رکھ کر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق پرست انسان उसकी पहचान क्या है, उसके सहाबा अल्लाह के रसूल को पूछते हैं कि ये आदमी हक वाला आदमी है जिसके पास बाकायदा हक मौजूद है और हक की राह पर ही चलने वाला है, इस बात को हम समझना क्या करें। अल्लाह के रसूल अल्लाह के रसूल अर्शद देते हैं उसको कि हर वो शख्स जिससे बात करने के बाद इंसान का दिल सुकून महसूस, जिसको बातचीत करने में इंसान को राहत मैसर हो, जिससे गुफ्तगु करने में इंसान फखर महसूस करे और जिससे बात करने में घबराहट ना हो, डर ना हो कि मैं एक बात बोलूँ एक और बात उनको समझ जाए कि ना ना लग गई भाई उनसे बात करना बेकार है, उनसे बात करे ले तो सिवाय उन्होंने मजाक लगाने के कितना भी बोलो भाई जिसको नहीं बोला वो वादा भी ले लो तब क्यों उन्होंने क्या है वादा करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी मिलता की वहां ना, बल्कि जिनसे बात करने के बाद इंसान को तशक्की हो सुकून हो, तो वो आदमी हक बजाने या हक परत या हकीकत में पुख्ता ईमान वाला हो के अल्लाह से विश्वास बताते हैं। अब हमें अपने आप के बारे में बगल अपने गिरजा दोस्त अहबाब के बारे में सोच लें कि हाँ मेरे से बात करते हुए किसी टॉपिक पर किसी मौजू पर कोई गुफ्तगू करना चाहता है तो अपनी जगह पर डरता है, हम पुख्ता ईमान वाले नहीं। किसी भी मसला हो कोई भी टॉपिक हो आदमी कोई भी बात पेश करने के वक्त अगर ये सोचता है अपनी जगह पर हाँ इस भाई को बताने की वजह से मेरे प्रॉब्लम और बढ़ेगी ऐसी सोचना हो, इनको नहीं बोलना बेहतर है ऐसी सोचना हो, इनको बोलने से इन्हों एक और समझ जाओ वहाँ लगाते हाँ इनको बात करते गारंटी वहाँ तक पहुँचाते हैं, इस किस्म की सोचें ना हो वैसा पर्सन वैसा आदमी हकीकत में पुख्ता ईमान वाला है सही होगा। देखिए इंशाअल्लाह हम लोग अपनी जगह पर सोचेंगे जरूर इस बारे में कि वाकई में मुझसे बात करते हैं मैंने भाई इससे कहीं लगा देती हूँ ऐसी मेंटालिटी किसी को नहीं आती है ना, बोलने का रिसर्च कर लेना है कि हाँ लोग किसी टॉपिक के ऊपर या किसी मौजू पर मुझसे बात करना तो बाहर में तो दिक्कत हो रही है, ऐसा अगर मसला दिख रहा है तो हम अपने आप को सुधारने की 100% कोशिश करना है। तो बड़े इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे मेरे दीन भाइयों की इस्लाम में कम्युनिकेशन सिखाने का और आपसी जो गुफ्तगु होती है इसको सिखाने का मकसद तो कुरान हमारे को ऐसा बनाना चाहता है, हम बनना चाहिए बनने की कोशिश करना चाहिए। तो बस चलिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं جو موت دے دی ایمان اسلام کی حالت میں ہو گئی ہے انہو تعالی جبار الرحیم اللہ رحمت الحلیم